एमपी में चार चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम होने के लिए भाजपा कांग्रेस एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। कम मतदान का सीधा अर्थ है लोगों ने चुनाव में रुचि नहीं ली, लेकिन राजनीतिक दल इसके लिए एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी सामने नजर आ रही है। इंदौर में 9 से 10% वोटिंग घटी है, इससे साफ है जनता सरकार से नाराज है। देखिए, जिस तरीके से चारों चरणों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार जो पांच महीने पहले बनी है, उसके खिलाफ नाराजगी जनता की सामने आ रही है। इंदौर में जिस तरीके से 9 से 10% तक वोटिंग घटी है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से जनता नाराज है। किसान नाराज है क्योंकि उससे झूठे वादे किए गए एमएसपी के। युवा नाराज है कि उसे रोजगार देने के झूठे वादे किए गए। महिलाएं नाराज है, उनसे तरह तरह के झूठे वादे किए गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर वर्ग नाराज है पूरे तरीके से। इंदौर की नाराजगी जग जाहिर है कि क्यों वहां पर वोटिंग परसेंट घटा, क्योंकि लोकतंत्र का खुलेआम चीरहरण बीजेपी के नेताओं ने किया है। तो ये पूरा देश देख रहा है, और आने वाले चरणों में जिस तरीके से जनता अपना रुझान दिखा रही है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन की इस देश में जबरदस्त सरकार बनने जा रही है। 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन का कहना है कि वोटिंग प्रतिशत 2019 की अपेक्षा में बड़ा है। इसका कारण है कि हमने रोजगार के क्षेत्र में काम किया है। पिछले 10 साल में 54 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। 10 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। कांग्रेस झूठा भ्रम फैला रही है कि 30 लाख नौकरियां देगी। जो मेरे हिसाब से तो मैं कहूँ, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में हमारा लगभग 80 करोड़ के करीब रोजगार मिला है। और जिस प्रकार से 10 लाख तो सरकारी नौकरियों का जो बात हुई, ये सरकारी नौकरियां मात्र 10 लाख थी। संसद के अंदर ही बात हुई कि 10 लाख पद खाली थे, तो उनको भरने का काम किया। तो कांग्रेस तो झूठ भी फैलाती है, 30 लाख नौकरी देंगे, कौन सी रिपोर्ट लेके आती है? और जरूर निकम्मी हुई तो कांग्रेस बेरोजगार हुई है। मध्य प्रदेश में 5 विधानसभा से इनके नेताओं को बेरोजगार कर दिया गया है इस भगवान रूपी जनता ने। और लोकसभा में देखिए, तीसरी बार ये होने वाला है कि भगवान रूपी जनता तीसरी बार कांग्रेस को बेरोजगार कर रही है। उनका नेता विपक्ष नहीं बनता है विधिवत रूप से, जो नीतिगत रूप से 10% सीट आना चाहिए उसका नेता विपक्ष बनता है, वह भी कांग्रेस प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो निकम्मा किया है इस भगवान रूपी जनता ने, कांग्रेस को किया है निकम्मा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।